स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको पता है कि हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट ये टॉपिक वाइज चल रहा है, और ये उन बच्चों के लिए चल रहा है जो लेखपाल की मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं। तो एक आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, अगर आप मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं लेखपाल के, तो आपके लिए द मास्टर प्रकाश क्लासेस केवल नाम मात्र के शुल्क पर 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट, बातें समझ रहे हैं, केवल 50 रुपये में 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा रहा। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है, वहां से आप संपर्क करके ठीक ना इसको आप परचेज कर सकते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सारे बुक हैं, ठीक ना, तो आपको किसी भी बुक को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिजूल खर्चा करने की आवश्यकता आपको एकदम नहीं पड़ने वाला है। चलिए तो आते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके लिए ठीक ना भैया एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, अगर आप इच्छुक हैं तो आप इसको ले लीजिए और फिर आपको मार्केट से कोई भी बुक परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, ठीक ना। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 15 नंबर क्वेश्चंस तक कवर कर लिया था, आज इसके आगे हम लोग चलेंगे। कह रहा है यदि 10% और 11% के लाभ पर एक बैग के विक्रय मूल्य का अंतर कितना है मित्र, 11 रुपये है, तो बैग का लागत मूल्य बताइए। लागत का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ क्रय मूल्य, और कोई भी चीज़ क्रय मूल्य जो होता है वो अपने आप में कितना होता है भैया, 100% होता है। कह रहा है कि 10% लाभ लेता है 11% के लाभ पर एक बैग का विक्रय मूल्य का अंतर जो है वो कितना है भैया, 11 रुपया है। तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों के अंतर, मतलब कि यहाँ से देखिएगा ये 10% और ये 11%, इनका अंतर निकालेंगे तो कितने, 1%। 1% का जो अंतर है वो कितने में, 11 रुपये का बराबर है। तो यहाँ से देखिएगा 1% अगर आप देखें तो ये किसके बराबर है भैया, 11 रुपये के बराबर है। तो अभी हमने आपको बताया कि कोई भी लागत मूल्य होगा या क्रय मूल्य हुआ तो अपने आप में कितना होता है, 100%। तो इधर 100% बनाने के लिए दोनों तरफ 100 से आप क्या करा दीजिए, मल्टीपल करा दीजिए। तो देखिएगा 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है भैया, 1100 रुपये, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोई भी फार्मूला आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है भैया, ठीक ना। आप देखे भी होंगे इतना क्वेश्चंस तो विदाउट फार्मूले सारी चीज़ें चल रही हैं, यूनिक मेथड आप अप्लाई करिए, ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए, हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 घड़ियों को 3600 रुपये में बेचा, कितने में भैया, 3600 रुपये में बेचा। एक घड़ी पर उसने 20% का लाभ लिया और दूसरे घड़ी पर उसने 20% का हानि लिया, तो कुल कितना लाभ हुआ अथवा हानि हुआ। तो जब भी ऐसे केस हो, कोई भी भैया एक ही रेट का वस्तु हो, बातें समझ रहे हैं, और उसी पे सेम, मतलब कि समान, ठीक ना भैया, लाभ प्रतिशत पे उतना ही भेजा जाए और उतना ही क्या कर दिया जाए, हानि पे भेजा जाए, तो उस केस में आप जानते हैं कि क्या होता है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये हमेशा माइनस होता है, मतलब माइनस का मतलब क्या होता है, हानि होता है। आपने एक परसेंटेज में एक आपने एक्स वाई का कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा, बार बार चर्चा करते हैं, तो वहीं से ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज जैसे देखो 20% का उसको क्या हुआ भैया, लाभ हुआ, कितने का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ, प्लस माइनस का मल्टीपल माइनस होता है, तो 20 बटे में क्या लिख देते हैं, 100। ये देखिएगा 20 से 20 कैंसिल, 1 0 से 1 0 और ये दूसरे 0 3 2 2 4, तो कितने परसेंट, माइनस ये डिनोट करता है कि क्या हो रहा है भैया, हानि हो रही है, कितने परसेंट का हानि हुआ है, तो 4% का। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न इसमें देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है एक दुकानदार ने 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बादाम खरीदा। तो देखिएगा 200 बहुत पुरानी बात हो गई हमें लग रहा है, ठीक ना, क्योंकि आज तो 1000 रुपये किलो है, बातें समझ रहे हैं। तो ये देखिएगा हमसे कह रहा है कि 250 रुपये में उसने क्या भैया, 1 किलो क्या परचेज किया, बादाम परचेज किया। फिर यहाँ से कह रहा है कि अगर वो 10 रुपया प्रति 50 ग्राम की दर से उसे बेच दे तो दुकानदार को लाभ होगा कि हानि होगा। तो आइए यहाँ से देखिए भैया, आप जानते हैं कि 1 किलो में, अगर 1 किलो कहीं पे लिखा है तो उसको आप 1000 ग्राम के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो यहाँ से देखिएगा उसने क्या खरीदा, 1 किलो बादाम खरीदा, तो 1 किलो बादाम खरीदने का मतलब क्या हुआ, उसने 1000 ग्राम क्या खरीदा भैया, बादाम। तो 1000 ग्राम बादाम का जो मूल्य है वो कितना है भैया, 200 कितना है, 50 रुपये है। फिर यहाँ से कह रहा है कि अगर वो 50 ग्राम बादाम
कितने में बेचता है, 10 रुपये में बेचता है, तो उसे कितने का लाभ होगा या हानि होगा। अब इधर आपका क्या है भैया, ग्राम 50 ग्राम को 10 रुपये में बेचता है तो उसको बेचना कितना है, 1000 ग्राम बेचना है, तो इधर 1000 बनाने के लिए क्या कर दीजिए, 20 से इधर गुणा करा दीजिए, 20 से इधर गुणा करा दीजिए, तो जब इधर आप गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का ये आपका क्रय था, ये क्या था भैया, क्रय था, और ये क्या है आपका विक्रय है। तो 1000 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 200 का। अब कोई वस्तु आप ध्यान देना, अगर कोई वस्तु आपने कितने में खरीदा है, 250 रुपये में खरीदा है और 200 रुपये में बेच रहे हैं, तो हानि होगा कि लाभ ही होगा। भाई 250 रुपये में आपने खरीदा और 200 रुपये में इसको बेचा, तो आपको तो हानि ही होगा ना। कितने का हानि हुआ, तो यहाँ से देखिएगा कितने का हानि हुआ भैया, 50 रुपये का। तो हानि प्रतिशत बराबर ये क्या हो जाएगा, 50 बटा क्रय मूल्य आपका कितना है, 250 गुणे आपका क्या हो जाएगा मित्र, ठीक ना भैया, 250। तो ये आपका 5 से 5 कट जाएगा, ये 25 न 5 चौका 20, बातें समझ रहे हैं। तो उसे कितने परसेंट का हानि होगा भैया, 20% का, 20% का क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बातें समझ रहे हैं, कौन सा राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही आंसर होगा। कोई दिक्कत, टिप जाओ यार, ठीक ना भैया। तो ये आपका, ये आपका कितने परसेंट का हानि हुआ भैया, तो 20% का क्या हो जाएगा, हानि होगा। 1 मिनट, चलिए चीजें हो जाती हैं, ठीक है। कितने परसेंट का हानि हुआ, 20%, ये सब क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा ना, 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे। आइए, तो ये क्वेश्चन हो गया था, आइए 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इसमें आप बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, अच्छा प्रश्न है, चलिए बताइए भैया। कह रहे हैं एक व्यक्ति द्वारा एक पुराना स्कूटर 1200 रुपये में, साइकिल खरीदे थे एक स्कूटर, तो यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति है जो पुराना स्कूटर कितने में खरीदता भैया, 1200 रुपये में खरीदता है, यो 200 रुपये उस ना उसके आप कह सकते हैं 200 रुपये उसने क्या किया, अतिरिक्त खर्चा किया अनुरक्षण में, ठीक ना, उसने क्या कर दिया भैया, 200 रुपया अतिरिक्त खर्चा किया, इसके द्वारा स्कूटर को, ठीक ना, 1680 रुपये में बेच दिया गया, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ से देखो कोई भी चीज़, जैसे अभी मार्केट से आप ना कोई भी सामान आप लेके आते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ लेके आए, मान लो मोटी मोटी की तौर से, मान लीजिए आपने आलू लेके आए 50 किलो, बातें समझ रहे हैं, 50 किलो आपने आलू लेके आया, ठीक ना, और कितने रुपए के हिसाब से, 20 रुपए के हिसाब से आपने 50 किलो आलू लेके आया, तो क्या आप उसको 20 रुपए में ही बेच देंगे, नहीं, उसमें क्या एक्स्ट्रा, जो गाड़ी का मतलब जिस साधन से आप गए हैं उस सब साधन का भी तो इंक्लूड करेंगे, तो वो सब भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, क्रय मूल्य के ही अंतर्गत आएगा, बातें समझ रहे हैं। कितने का आपने तेल खाया, मतलब खाया या किस तरीके का ना, उस पर अतिरिक्त खर्चा कितना आया, तो वो सब जोड़ के ही वो क्रय मूल्य बनाया जाता है। तो एक तो ये भैया पुराना स्कूटर खरीदे थे 1200 रुपये में, 200 रुपये उसको अतिरिक्त खर्चा किए, पंचर वंचर बनवा दिए, बातें समझ रहे हैं। तो आपका टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 1400 उसका क्या है भैया, क्रय मूल्य है, बातें समझ में आए, 1400 रुपये क्या है उसका क्रय मूल्य है। बेचता वो कितने में है, जो इससे विक्रय करता है वो करता है 1680 रुपये में, तो कितने रुपये का उसको लाभ हुआ, बातें समझ रहे हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर ये देखिएगा 80 हो जाएगा और ये 2, तो मतलब 280 रुपये का लाभ हुआ, किस पे, 1400 पे, किस पे हुआ भैया, 1400 पे, गुणे क्या हो जाएगा 100, इसको काटो 14 दूना 28, कितने का, 20% का उसको क्या हुआ भैया, लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 20%, 20%, ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक ना भैया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, छोटे छोटे प्रश्न है, कह रहा है, यहाँ से समझिएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल ना, किसी वस्तु के क्रय एवं विक्रय का अनुपात दिया गया। देखो भैया, क्रय और विक्रय का क्या दिया गया है, अनुपात दिया गया, मतलब कि कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस, बातें समझ रहे हैं, इनका क्या दिया गया है मित्र, अनुपात दिया गया है। तो यहाँ से देखिएगा 5 अनुपातें क्या है भैया, 6 है, मतलब कोई वस्तु आप 5 रुपये में खरीद रहे हैं, 6 रुपये में क्या कर दे रहे हैं, बेच दे रहे हैं, कितने रुपये का लाभ हुआ, 1 रुपये का, किस पे, 5 पे ही तो होगा, क्यों, क्योंकि ये 5 आपका क्रय मूल्य है, तो बटे में क्या हो जाएगा भैया, 5 गुणा क्या हो जाएगा, 100, कितना आ जाएगा, 20%,
ठीक ना, 20% का क्या हुआ उसको, लाभ लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक ना, छोटे छोटे प्रश्न है, कुछ करना ही नहीं है। ठीक, अगला प्रश्न 20 नंबर में आपको बताना है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक जोड़े जूते के लिए, एक जोड़े जूते के लिए यहाँ से समझिएगा कितने रुपए में, 120 रुपया चुकाया। एक दुकानदार ने एक जोड़ा जूता लेकर आया तो उसको कितने रुपए दिए, मतलब आप कह सकते हैं एक जोड़े जूते को उसने 120 रुपए में खरीदा। फिर कह रहा है कि उसने ग्राहक को 20% हानि पर बेच दिया, तो उसने इसे कितने में बेचा, 20% के हानि पर बेच दिया। अब मेरे भाई क्रय मूल्य का अगर हम लोग जिक्र करें तो क्रय मूल्य बार बार कह रहे हैं अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। बातें सो, क्रय मूल्य कितना होता है, 100% होता है। क्रय मूल्य हमारा कितना होता है, 100% होता है। तो इस केस में अगर आप देखें तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भैया, 120 के। अब देखिएगा 20% का हानि लेता है, मतलब कि उसने बेचा कितने में, 80% में। तो बस इसी 100 को आप क्या बना दीजिए, 80। तो 1% इज इक्वल टू, मतलब 1% इज इक्वल टू इतना क्या हो जाएगा भैया अपान में 100। इधर 80 बनाना है तो दोनों तरफ 80 से क्या करा दीजिए आप, गुणा करा दीजिए, तो इधर भी 80 से इधर भी 80 से। अब आपका काम क्या हो गया, फिनिश। ठीक, ये आपका कितना हो जाएगा, 80% इज इक्वल टू, आप इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 ना, 12 9 12 18 96। ठीक, तो उसने कितने रुपए में बेचा उसको, 96 रुपए में, ऑप्शन नंबर, ठीक ना, बी इज द राइट आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चीजें समझ में आए कहीं पे भी आपको, ठीक ना भैया, ये इतना आसान चैप्टर्स है, आप कह सकते हैं जैसे आप देखिएगा कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होता है, बस उसी को मान के ठीक ना यूनिट वगैरह इक्वल करा लीजिए। इसलिए आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं बता रहे हैं, बातें समझ रहे हैं, ये यूनिट वाला आप बहुत सही है, इसी से लगभग क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। आइए दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आप बताइएगा कौन सा राइट आंसर। कह रहा है एक पंखा 1200 रुपये में बेचा संजय और 200 रुपया हानि हुआ, ठीक ना। तो उसने कह रहा है कि अगर इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% का क्या हो भैया, लाभ हो। तो एक चीज हमको ये बताइएगा भैया, आपने कोई भी वस्तु 1200 रुपये में बेचा, 200 रुपये का आपने हानि सहा, तो कितने रुपए में आप लाए थे बोलो, कितने रुपए में आप लेके आए थे, 1400 रुपये में लेके आए थे ना। जैसे मान लो अभी आप एक घड़ी लेके आए, बातें समझ रहे हैं, एक घड़ी आपने क्या लेके आया, 1400 रुपये में आपने एक घड़ी लेके आया और उसे 1200 रुपये में आपने बेच दिया, तो कितने रुपये का आपने हानि सहा, 200 रुपये का ना, बातें समझ रहे हैं। तो क्रय मूल्य आपका क्या हो जाएगा भैया, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा क्रय मूल्य बराबर आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य प्लस क्या हो जाता है आपका, हानि होता है, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ से देखो, 1200 प्लस आपका क्या हो जाएगा, 200, जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये आपका 1400, कोई दिक्कत। अब देखिएगा क्रय मूल्य कोई भी चीज होता है, क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है भैया, 100% होता है। तो 100% इज इक्वल टू कितना, 140,000, ठीक ना भैया। तो यहां से देखिएगा इस केस में देखिएगा, अब इधर कह रहा है कि 20% लाभ कमाना चाहता है, तो 20% लाभ कमाने के केस में कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा। तो बस आप इधर 120% बना दीजिए, देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर देखिए आप तो 10, या आप सीधा सीधा देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दे रहे हैं, 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा भैया, 14। तो 110% बराबर, 110% बनाना है, दोनों तरफ 110 से गुणा करा दीजिए, तो 110% बराबर, ठीक ना भैया, ये 14 एकम 14 के 4 14 एकम 14 और एक क्या हो जाएगा, 1540, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक, अगला प्रश्न यहां से देखिएगा, ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तक के क्रय मूल्य के क्या है भैया, बराबर है। तो यहां से देखिएगा, कह रहा है कि 10 वस्तु का क्या भैया, विक्रय मूल्य, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, यहां से कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताइए, तो क्रय मूल्य को इधर भेज दो, 12 को उधर, तो मतलब इसको आप कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य, बातें समझ रहे हैं, ये 12 10 यहां गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग करेगा, मतलब कि कोई भी वस्तु आपने 10 रुपये में लिया उसको 12 रुपये में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 2 रुपये का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आपका 10 है, गुणे क्या भैया 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 20% का उसे क्या हुआ, लाभ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। बातें समझ रहे हैं भैया, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, इसमें आप बताइए। कह रहा है राजदीप 80,000 में एक मोटरसाइकिल खरीदा और 60,000 में बेच दिया, तो उसे हानि बताइए। तो कितने का हानि हुआ भैया? यहां से देखो, 60-80 में कोई चीज खरीदे, 60 में बेच दिए, तो सीधा सीधा उसको कितने का 20,000 का हानि हुआ कि नहीं हुआ? बातें समझ रहे हैं? 20,000 का क्या हुआ? हानि हुआ। तो हानि प्रतिशत बराबर देख लीजिए, क्रय मूल्य आपका कितना है? क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, 60,000। 1 मिनट, क्रय मूल्य आपका 80,000 होगा ना। यहां से देखिएगा, कह रहा है कि 80,000 रुपए में एक मोटरसाइकिल खरीदा और उसे क्या कर देता है, 60,000 में बेच देता है, तो कितने परसेंट का हानि हुआ ये आपको बताना है। तो हानि यहां से निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे कितना, 20,000 आ जाएगा। 20,000 को उसको हानि हुई, लेकिन किस पे? 80,000 पे। बस गुणा क्या कर दीजिए आप भैया, 100 कर दीजिए। यहां से देखो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक ना भैया, एक जीरो और काट दो, कोई दिक्कत। और ये आप देखिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 25 चौका 100, तो कितना परसेंट? 25% का उसे क्या हुआ मित्र? हानि हुआ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि बेहद आसान प्रश्न है, कह रहे हैं यहां से 20 पुस्तक को बेचने पर राजेश को 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। 4 पुस्तक को उसने क्या किया भैया? बेचने पर 20 पुस्तक को बेचने पर राजेश को 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के क्या होता है? बराबर लाभ होता है। तो ध्यान से समझना, 4 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा ठीक ना अप्रोच होता है, आसान तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कितने का लाभ हुआ है? 4 वस्तु को विक्रय मूल्य पे, इन्हीं दोनों का अंतर ले लीजिए, तो 20 माइनस क्या हो जाएगा आपका? 4। 20 माइनस क्या हो जाएगा भैया? 4। तो यहाँ से क्या करा देंगे? 100 से गुणा करा देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 4/16 गुणे कितना हो जाएगा? ये 4 × 1 = 4, ये कितना हो जाएगा आपका भैया? 4। तो 5 × 25, ठीक ना। तो उसे कितने परसेंट का हानि हुआ? 25% का क्या होगा? लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक ना भैया। ये लाभ प्रतिशत बराबर हमारा क्या हो जाएगा? यही होता है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, तो जो क्रय मूल्य हो, ठीक ना, इस विक्रय जो आपका जितना लाभ हो इस क्रय मूल्य से आप क्या करिए, घटा दीजिए। बाकी आप जानते हैं, प्रतिशत लाभ निकालने के लिए लाभ को ऊपर रखा जाता है, कितने रुपए का आपका लाभ हो रहा है, बटे में आपका क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो यही चीज़ आप इससे घटा देंगे तो क्रय मूल्य के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। और ये आपका क्या हो जाएगा? 25% का उसको क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना। आसान प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है। अगला प्रश्न 25 नंबर, आप बताइएगा। कह रहा है कि उस वस्तु की कीमत क्या है जिसे 24 रुपए में बेचने पर लाभ प्रतिशत उसके लागत मूल्य के, मतलब क्रय मूल्य के क्या होता है भैया? बराबर होता है। ये क्वेश्चन अगर आप लगाएंगे तो आपको क्या बनेगा? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनेगा। कैसा भैया? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण बनने वाला। तो ये अप्रोच नहीं लगाना, इसका सीधा सीधा एक ट्रिक होता है, जब भी ठीक ना जो आपका लाभ हो उसके लागत मूल्य के या क्रय मूल्य के बराबर हो, तो उस केस में जो ये नंबर्स दिया गया है इसी का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसी मतलब आप ऐसा समझिएगा, इस 24 का आप ऐसा फैक्टर्स करिए, बातें समझ रहे हैं, इस 24 का ऐसा फैक्टर्स करिए जिनके बीच का अंतर क्या आ जाए? 10 आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ से देखिएगा, 12 दूना क्या हो जाएगा? 24, इनके बीच का अंतर कितना है भैया? 10। तो छोटे नंबर्स में आप गुणा करा दीजिए, किससे? 10 से, तो ये कितना हो जाएगा भैया? 20। तो इस केस में बातें समझ रहे हैं, वस्तु का जो कीमत था वो कितना हो जाएगा आपका भैया? 20। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आसान है, ठीक ना। अगला प्रश्न यहाँ से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि विक्रय कीमत पर 24% का क्या कर देता है? डिस्काउंट सहित। इस पे ध्यान देना, एक सहित होता है, एक रहित होता है। सहित का मतलब क्या होता है कि डिस्काउंट लगा है, मतलब छूट दिया है। रहित का मतलब क्या होता है? अभी यहीं पे रहित लिख देता, तो रहित का मतलब कि उसने डिस्काउंट नहीं दिया है। बातें समझ रहे हैं? तो दोनों चीज को ध्यान में रखना, सहित होता है और एक रहित होता है। सहित का मतलब लेके चलना आपको। तो 24% का उसको क्या करता है? डिस्काउंट देता है। विनीता ने एक घड़ी खरीदी 24% के डिस्काउंट पे, ठीक ना। विनीता ने एक घड़ी खरीदी, घड़ी की कीमत जो थी ना, ये कितना है भैया?
779 रुपये है, उसने क्या कर दिया, उसको अदा किया। तो घड़ी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। तो यहाँ से देखिएगा, घड़ी का जो आप कीमत देखेंगे, मतलब जब डिस्काउंट नहीं दिया था तब का अगर जिक्र करें, तो वो कितना था, 779 रुपये थे। बातें समझ रहे हैं? अब उसने कह रहा है कि अगर वो 24% डिस्काउंट दे देता है तब उसकी घड़ी कितने में होगी। बातें समझ रहे हैं? तब उसका क्या होगा भैया, विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी चीज़ होता अपने आप में 100%, ठीक ना, कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 24% का। तो 100 में से 24% घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 76। तो 76% ये किसके इक्वल हो जाएगा मित्र, तो ये 76 जो परसेंट आपका है ये किसके, 779 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, आपको क्या बताना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो बस आप इसको 100% बना लीजिए। यहाँ से देखिएगा, ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, बटे में क्या भैया, 76। इधर क्या कर दीजिए, गुड़े 100, इधर भी आप क्या करिए, गुड़ा 100। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना भैया। यहाँ से देखो, इसको काट दीजिए, 25 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 19 ना, और 19 को अगर आप इसमें भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 41। गुड़ा करा दीजिए, 25 एकम 25, 25 के 5 हासिल 2 आ जाएगा, ठीक ना, 25 चौका 100 102 ना, 1025 आपका क्या हो जाएगा, राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, चलिए इसमें आप बताइएगा कौन सा आपका राइट आंसर होगा, फटाफट बताइए। बताइएगा भैया, कह रहा है कि मोहन ने 475 रुपये में एक साइकिल खरीदी। मोहन जो है वो 475 रुपये में एक क्या खरीदता है, साइकिल। फिर लागत मूल ना, कह रहा है कि फिर लागत कीमत के 8%, बातें समझ रहे हैं, 8% घाटे पर उसे बेच दिया। अब यहां से समझिएगा, मोहन है जो 775 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और 8% घाटा लेके उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो साइकिल को कितने में बेची, कोई भी चीज होती है 100%, घाटा कितने का ले रहा है, कितने का ले रहा है घाटा, 8% का क्या ले रहा है, वो घाटा ले रहा है। तो मतलब उसने बेचा कितने में होगा, 92% पे बेचा होगा। तो 92% बराबर किसके, सॉरी 100% बराबर किसके, 775, सॉरी 475 है, 100% बराबर कितके, 475। उसने 8% पे क्या, 8% का उसने क्या किया है, घाटा लिया। तो उसे बेचा कितने में, 92%। तो इसी को 100 को क्या बना लीजिए भैया, 92 बना लीजिए। तो 1% बराबर आपका क्या हो जाएगा, बोलो, बटे में क्या आ जाएगा, 100, दोनों तरफ किससे, 92 से आप क्या कराइए, गुणा करा दीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, 92% हो जाएगा। बस इसी को सीधा सीधा काट पीट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो, 25 चौका 100, 25 उन्नीस संयामा 475, बातें समझ रहे हैं? ये देखो, इसको काट दो जरा, ये कितना हो जाएगा, 4 दुना 8, 4 तिहाई 12, क्या आ गया, 19 गुड़े आपका क्या हो गया भैया, 23। बातें समझ रहे हैं? 19 गुड़े 23, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक ना भैया, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक ना भैया। तो यहां से देखिएगा, जैसे ही आप, ठीक ना, इसका क्या कहते हैं, 19 का गुड़ा 73 में आप कर, सॉरी ये क्या है, 19 का गुड़ा आप किस में करा देंगे भैया, 23 में करा देंगे, तो 19 57 हो जाएगा, और ये जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक ही आप देखिए, लास्ट में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 7 है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक उत्पाद की लेबल पर लगी, मतलब एक उत्पाद जो आता नहीं, कोई भी प्रोडक्ट है उस पर लेबल लगा होता है ना, लगी कीमत कितना है, 750 रुपये है। यदि वो 20% का छूट, बातें समझ रहे हैं, उसी लेबल पे वो क्या करता है भैया, 20% का छूट पर बेची जाए, तो डिलीवर को 50% का क्या होता है, फायदा होता है। बातें समझ रहे हैं? डीलर को क्या हो जाता है भैया, डिलीवर, हाँ वही चीजें हैं, ठीक ना भैया, डीलर को क्या हो जाता है, 50% का फायदा हो जाता है। तो यहां से समझिएगा, इसका आपको लागत मूल्य बताना, क्या बताना भैया, लागत मूल्य। अब समझिएगा, कोई भी चीज हो गया, उस पर आपने क्या कर दिया, आप एक लेबल जो आपका लगा होता है उस पर इसने क्या कर दिया,
उस लेवल पर 750 रुपये लिखे गए थे। कितना लिखा गया था? 750। 20% का उसने क्या दिया? छूट दिया। कितने परसेंट का भैया? 20% का उसने क्या कर दिया? छूट दिया। फिर भी ठीक ना, जो आप कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर है उसको कितने परसेंट का फायदा हुआ? 25% का। तो लागत कीमत आपको बतानी है। बातें समझ रहे हैं भैया? क्या बतानी है आपको? लागत कीमत बतानी है। तो आसानी से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से देखिएगा उसने क्या कर दिया है, 20% का इसी पे छूट दिया है। तो कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है। बातें समझ रहे हैं? कोई भी चीज़ होती है अपने आप में क्या होती है भैया? 100% होती है, ठीक ना। तो देखो 100% आप इसको उसी से लगा सकते हैं, 100% इज इक्वल टू कितना इसके, तो 20% का छूट दिया है मतलब 80%। तो 80 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, अपान में क्या हो जाएगा, 100 × 80। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 × 5 = 40 और 40 × 6 = 8 = 56 और 4 कितना हो जाएगा, 60। तो 600 रुपया। बातें समझ रहे हैं? तो 600 रुपये में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। फिर भी उसे क्या 25% का क्या होता है भैया, फायदा होता है। तो उसकी लागत कीमत आपको बतानी है। तो यहाँ से देखिएगा इसी का आप क्या निकाल लीजिए, 125% निकाल लीजिए। बातें समझ रहे हैं? 25% का फायदा हो रहा है तो 125% इसी का निकाल लीजिए सीधा सीधा, या तो 25% निकाल के फिर उसी में आप जोड़ दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है। यहाँ से देखिएगा ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 × 5 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सब में आपका क्या है, जीरो लगा हुआ है। वन मिनट, कुछ छूट गया क्या? छः दूना 12, 6 × 6 ज़्यादा। अच्छा, फिर वही चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। इसी का 25% निकाल लीजिए ना, बस सही है। या तो 75% कर दीजिए सीधा सीधा। देखो इसी का 25% निकाल के चाहे इसमें से घटा दो, या सीधा सीधा इसी का क्या निकाल लो भैया, 75% निकाल लो। ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये कितना, 6 × 7 = 42, 4 कितना होगा, 45। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बातें समझ रहे हैं? बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में इतनी ही चीजें। ये चीजें समझ में आई? किसी को कोई डाउट? ठीक ना भैया, चाहे आप 25% निकाल के घटा दीजिए या सीधा सीधा कोई भी वस्तु हुआ, ठीक ना, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 25% का फायदा हो रहा है मतलब कि 75%। बातें समझ रहे हैं? तो सीधा सीधा चाहे आप 25% निकाल के फिर घटा दीजिए, या फिर उसी का सीधा सीधा आप क्या 75% निकाल लीजिए, दोनों का मतलब क्या होगा, सेम होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक ना। द मास्टर प्रकाश क्लासेस, एक विशेष सूचना आप लोगों के लिए है, अगर आप ठीक ना लेखपाल के मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं तो 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट केवल नाम मात्र के शुल्क पर, 50 रुपये के शुल्क पर आपको ठीक ना भैया 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा रहा है। अगर आप इसके इच्छुक हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर्स दिया गया है, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके ठीक ना आप ये इतना आप परचेस कर सकते हैं। और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि आप 150 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बातें समझ रहे हैं? 150 प्रैक्टिस सेट इसी को आप तैयार कर लीजिए, तो इससे ठीक ना भैया मार्केट में जितनी भी बुक हैं आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले इसी के लेक्चर्स में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का भैया बहुत बहुत धन्यवाद।